नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजर नरेश। और आज का ये प्रेडिक्शन है मेष राशि वाले जातकों के लिए, आने वाला मई 2022 कैसा रहने वाला है इसके बारे में है। और इस प्रेडिक्शन जो है चंद्र राशि आधारित है, और यदि किसी भी साल के अंदर आपका जन्म हुआ है 15 अप्रैल से लेकर 14 मई तक, और जन्म के सूर्य भी आपके मेष राशि के अंदर हैं, तो भी ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। और स्टार्ट करते हैं, पहले तो ग्रहों की परिस्थिति आपको समझा देते हैं कि कौन कौन से ग्रह कहां पर चल रहे हैं। सूर्य का ट्रांजिशन आपकी राशि के अंदर है 14 मई तक, और ये 14 मई की रात को यानी कि इंडिया टाइम पर तारीख 15 हो जाएगी। सुबह 5:31 को राशि परिवर्तन करते हैं और मेष राशि में से चलेंगे वृषभ राशि के अंदर। तो संक्रांति जो है, ये संक्रांति का इसको बोलेंगे वृषभ संक्रांति, क्योंकि वृषभ में जाने वाले हैं सूर्य। तो संक्रांति का पुण्य काल है वो सुबह में सूर्योदय से लेकर दोपहर में 12:36 तक रहेगा, 15 तारीख की सुबह के अंदर। तो मेष में सूर्य है और वृषभ में सूर्य है, आपकी राशि के अंदर है, धन भाव के अंदर है, तो बेशक आपका जो टेम्परनेस है ये बढ़ाने वाले होंगे, क्योंकि एक तो आपकी राशि अग्नि तत्व की है और सूर्य जो कि बहुत उग्र ग्रह है वो आपकी राशि के अंदर चलने वाले हैं, और धन भाव के अंदर चलेंगे तो वाणी में अंगारे बरसाने वाले होंगे। तो आने वाला जो मई महीना है, इसमें खास करके जो भी जातक विवाहित है, मैरिड है, इनको खास करके दाम्पत्य जीवन में अपने पार्टनर के साथ और इसके अलावा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ वाणी में उग्रता ना हो जाए, उसका खास केयर करना होगा। इसके साथ साथ आपको अपने आँख, कान, नाक, दांत इत्यादि अंगों का भी केयर करना होगा, क्योंकि 17 मई को जो मंगल है वो भी आपके 12वें स्थान में चलने वाला है। 17 मई तक जो मंगल ट्रांजिट है वो 11वें स्थान के अंदर है, जो कि आपको जमीन, मकान, एस्टेट, प्रॉपर्टी इत्यादि से लाभ करने वाले हैं। लेकिन बदलने के बाद जब मंगल चलेंगे 12वें स्थान के अंदर, तो यहाँ पर मीन के जो मंगल है इतना शुभ फल देने वाले नहीं है, क्योंकि एक तो ये गुरु के घर में चलेंगे और गुरु और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है ये ठीक नहीं है, क्योंकि सादी भाषा में हम आपको समझाए कि मंगल जो है वो मिलिट्री और पुलिस है, और जो गुरु है वो ज्ञान के कारक हैं, उपदेशक हैं, टीचर हैं। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये ठीक नहीं, क्योंकि जो मंगल हैं वो मारधाड़ करने वाले होते हैं, फाइटिंग करने वाले होते हैं, और गुरु जो ज्ञान देने वाले होते हैं। तो ज्ञान जो मिलिट्री वाले जो जातक हैं, इनको कुछ जो ज्ञान देने वाले हैं लोग ये पसंद नहीं होते हैं, ऐसा प्रैक्टिकली देखा है, क्योंकि मंगल वाले जो जातक हैं इनको खास करके इनकी ओर से बहुत टेंशन आती है, जो इनको कोई उपदेश करे, कोई समझाए, क्योंकि इनका काम एक्शन करना है, समझाना नहीं है। तो मिलिट्री पुलिस जो है वो एक्शन के कारक माने जाते हैं, जबकि जो गुरु है वो ज्ञान बातें करने वाले होते हैं। तो मंगल का ट्रांजिट 12वें स्थान में होता है, तो 12वें स्थान में मंगल का भी फल इतना शुभ नहीं होगा। तो 17 मई के बाद आपको अपने आँख, कान, नाक, दांत इत्यादि अंगों का विशेष केयर करना होगा। 24 अप्रैल से जो बुध का ट्रांजिट है वो वृषभ राशि के अंदर होगा, जो 2 जुलाई तक चलने वाले हैं। तो अप्रैल का लास्ट वीक, मई, जून पूरा, और जुलाई का 2 तारीख जुलाई, तो अप्रोक्सीमेटली ये कह सकते हैं कि दो महीना और 8-6 दिन जैसा, जो 8 दिन जैसा, जो 2 महीना और 8 दिन जो बुध है ये वृषभ राशि के अंदर चलने वाले हैं, आपके धन भाव के अंदर चलने वाले हैं, तो आपके कुटुंब सुख, धन सुख में वृद्धि करने वाले बनेंगे, क्योंकि बुध का जो ट्रांजिट है धन भाव में शुभ माना जाता है। 13 अप्रैल से गुरु मीन राशि में चलने वाले हैं, गुरु 12वें स्थान में होंगे आपके। 12वें स्थान में भले गुरु है, लेकिन 12वें स्थान में ये आपको धार्मिक कार्य में, शुभ कार्य में खर्च करवाने वाले बनेंगे, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी इत्यादि के सुख में आपके वृद्धि करने वाले बनेंगे, और
रोग शत्रु पर आपको विजय देने वाले बनेंगे और आपको कुछ गुप्त लाभ भी करवाने की पॉसिबिलिटी रखेंगे। 27 अप्रैल से शुक्र मीन राशि में चलने वाले हैं और जो ट्रांजिट आपकी मंथ की शुरुआत के अंदर 12वें स्थान के अंदर होगी, तो 12वें स्थान में शुक्र आपके खर्च बढ़वाने वाले होंगे। हालांकि खर्च जो है वो आपके होटल मोटल रेस्टोरेंट इत्यादि के अंदर हो सकते हैं। और 23 मई से शुक्र चलेंगे आपकी राशि के अंदर, जो 18 जून तक चलने वाले हैं। ये ट्रांजिट आपको लव मैटर में सक्सेस देने वाली बनेगी। 23 मई से लेकर 18 जून का जो पीरियड है आपके लिए एक्सीलेंट रहेगा अबाउट लव मैटर। शनि 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक कुंभ राशि के अंदर चलेंगे। आपके लाभ स्थान में शनि चलने वाले हैं, तो लाभ स्थान में शनि का जो ट्रांजिट है ये भी बहुत शुभ माना जाएगा। बिजनेस करियर को आप धीमी गति से अपग्रेड करने वाले हैं। राहु आपकी राशि के अंदर होंगे, मेष राशि के अंदर, केतु आपके सेवंथ हाउस में होंगे। तो खास करके जो ये मंथ है ये एक प्रकार से आपका जो सेवंथ हाउस है, मैरिज एंड पार्टनरशिप है, ये स्थान को इस मंथ के अंदर जबरदस्त प्रेशर मिलने वाला है। तो 14 तारीख तक सूर्य लग्न के अंदर है, आपकी राशि के अंदर है। उसके बाद जो मंगल है वो 17 तारीख को मंगल 12वें स्थान में चले जाएंगे, उसकी दृष्टि होगी केतु के ऊपर। और राहु की तो कांस्टेंट दृष्टि है ही है आपके सेवंथ हाउस के अंदर, जो कि दाम्पत्य जीवन में पार्टनरशिप के अंदर घर्षण होने के, उग्रता वाद विवाद होने के जो संभावना है वो ज़्यादा क्रिएट करती है। तो जो भी जातक बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप में है इनको बहुत केयरफुल रहना है। इसके अलावा जो भी जातक विवाहित है, मैरिड है, इनको भी अपने पार्टनर से कुछ गज ग्रह ना हो। गज ग्रह मतलब बहुत बड़ी बड़ा गांठ या बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उसका केयर करना होगा। तो खास करके जो डेट्स आपको टेक केयर करना है, 4th, 8th, 12th चंद्र कौन कौन सा होगा वो भी आपको बता देते हैं। 7, 8, 9 जिसमें चंद्र होंगे कर्क राशि के अंदर, 4th स्थान के अंदर, तो ये ट्रांजिट ठीक नहीं होगी। इसमें आपको कुछ भी प्रॉपर्टी रिगार्डिंग या करियर के रिगार्डिंग टेंशन वाले सिचुएशन के अंदर कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है। रिलेशनशिप में माता पिता, जॉब में अपर लेवल, ये सब के साथ भी केयर करना होगा। विवाहित जातकों को अपने इन लॉज के साथ भी केयर करना होगा। वंस अगेन आपको डेट टेक केयर करना है। 16, 17, 18 वृश्चिक के चंद्र 8वें स्थान के चंद्र है, इसमें भी आपको पारिवारिक मामलों को लेकर, फाइनेंशियल मैटर को लेकर लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है। और नदी संबंध तालाब किनारे आप घूमने जाते हो तो पानी में अंदर ज़्यादा ना उतरे। और वंस अगेन आपको डेट टेक केयर करना है 24, 25 और 26 जिसमें चंद्र चलेंगे मीन राशि के अंदर, तो ये भी 12वां चंद्र है, 12वें चंद्र के अंदर लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हमारे गुजराती में एक कहावत है, इसका और मेरा 12वां चंद्र है। 12वां चंद्र है मतलब क्या है, मेरी उसके साथ पटती नहीं है, मेरा उसके साथ जमती नहीं है, ऐसा कहने का मतलब ये है। तो 12वां चंद्र जो है वो माइंड का वाइब्रेशन फ्लक्चुएशन बढ़ाने वाला होता है, माइंड अनस्टेडी करने वाला होता है। इसके कारण इस तारीखों के अंदर जो हमने बताया के 7, 8, 9, 16, 17, 18, 24, 25, 26 4th, 8th, 12th ये चंद्र के अंदर आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का आता है, तो जल्दबाजी में आपको नहीं लेना चाहिए। आपके कोई मित्र हैं मेष राशि वाले तो ये नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन आप उनको जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक और नए प्रिडिक्शन में जल्दी। टेक केयर आपका और अपनों का ख्याल करें। मिलते हैं जल्दी एक और नए प्रिडिक्शन में। जय द्वारकाधीश।